बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, पंजाब सुर संगीत की बजम दे विच आज के साडे मेहमान ने साडे पाकिस्तान दे नामवर गुलूकार जनाब मोहम्मद शफी और शफू माई, इन्हां दी मेहरबानी, इन्होंने अपने कीमती वेले चू टाइम कढ़िया तो साडे स्टूडियो तशरीफ लियाए, असीं इन्हां दे मशहूर हाँ। अच्छा जी, शफू माई, जदों भी मैं किसी का इंटरव्यू लैन लग्या ना किसी भी सिंगर का जी, तो उन्होंने को मैं उन्होंने पता पूछा भी तुम कि इलाके ना तलक रखते हो जी, तुम कि इलाके ना तलक रखते हो जी? जिला उकाड़ा से शुगर मिल। अच्छा जी, बाबा फरीद शुगर मिल के नाल से किश्तवाड़। तो तुम कि अरसे तो यह गुलूकार कर रहे हो? तकरीबन तो साहब जी 47 साल हो गए। 47 साल, यानी कि अद्धी सदी होगी तो गुलूकारी कर रहे हो? तो माशाल्लाह, उदो तुहाडी उम्र किन्नी होगी? तकरीबन 8 साल। 8 साल बचपन तो तुम ये गुलूकारी कर रहे हो, ठीक है। तो तुहाडे उस्ताद का नाम की है? मेरे उस्ताद मोहतरम सन उस्ताद अहमद अली खान गाजी। अहमद अली खान गाजी, एक कितने सन? 101 चक गाजियां दा साहिवाल, 101 दे उत्ते जी। कितने जुबैर हो गया ते फारूक हो गया? जुबैर दा जी चाचा सी, ठीक हो गया। फारूक दा भी चाचा सी, जेड़े मेरे उस्ताद ने सन। तो तुम खानदानी गुलूकार हो कि शौकिया गुलूकार? शौकिया गुलूकार हाँ जी। तो जेड़े मेरे उस्ताद ने उत्तर सन हाँ जी, वो दो भाई सन जी, एक लिखदा सी एक गांदा सी। एक शायर सी एक सिंगर सी? हाँ जी, ठीक हो गया जी। वो शायर का नाम की सी? वो जी खान बहादुर। खान बहादुर, हाँ, बड़े मशहूर शायर हैं जी। खान बहादुर खान वे सन हाँ जी, मेरे उस्ताद ने उत्तर सन छोटे, ठीक है जी। अहमद अली खान का नाम सी। ते वो सैयद उस्ताद हुसैन बख्त खान जी सन, ठीक है जी, ठीक है। तो ढोल भी दुनिया के जी झूमर की कल्चर है रावी का, ये सब तो पहले उन्हें इब्तदा की थी। उन्हें इब्तदा की थी ढोल झूमर, झूमर की जो ढोल झूमर जो गाना है ना जी, साई शेर पाक रहमतुल्ला अलैह सरकार के दरबार फतेहपुर शरीफ, फतेहपुर शरीफ जी, उस जनाब इब्तदा शुरू हो गए, ठीक है जी। खान बहादुर खान जो सन ना जी, उन्हें लिखा सी खेडा झूमर में शेरन यार ने। अच्छा, साई शेरन पाक के मुरीद सन, पाक साइया के वह मुरीद सन जी। तो उन्हें जनाब जरा है ना ये कलाम लिखा सी खेडा झूमर में शेरन यार ने जी, पूजा कर ला जा उस दिलदार की जी, खेडा झूमर में शेरन यार ने जी। एलग से कि ढोल वजिया कुन पैया कून दा जी, पै गया झगड़ा कुल तबा दून दा, वाह वाह। खूंडी काले मोहल्ला ललकार दी जी, खेडा गुंबर में शेरन यार दी, वाह जी। ते जाके मल द्वारा उस शेख दा जी, शेख में ना दिन जी वली अल्लाह दा वली है परहेजगार जी, जाके मल द्वारा उस शेख शेख दा जेड़ा जाहिर बातन वेखदा, वाह वाह। जिदी निगाह रमजान पे मार दी जी, खेडा गुंडे में शेरन यार दी, वाह 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 वाह। ते खूंडी ढोल ते यार वजाई, बुल्ली पाए गई कुल खुदाई, जदा आमद हुई उस सरकार दी जी, खेडा गुंडे में शेरन यार दी, वाह वाह वाह। साईं शेर पाक रहमतुल्ला अली सरकार दे पाक दर तू ए जनाब झूमर दा आवाज है, ठीक हो गया। ते तुहाडा 63 दा वालियम मार्किट विच कदों आया? 63 वालियम दी सन 73 च पहला कैसेट आया। 1973 च तुहाडा पहला वालियम पहला कैसेट आया सी। जो पंजाब दे विच ना जी इक ही कंपनी रिकॉर्डिंग सी, किस तरह दुनिया दे विच ना जी, पाक गरम फूजन सपोर्ट रोड जंग और उच्चे दर्जे दे विच ऐसी ईगल 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 कराची दे विच सी हां जी, और लाहौर दी दुनिया दे विच ऐसी जो पीएमसी पीएमसी हां पीएमसी वाले, ठीक है जी। ओ जिस लेकिन किस विकेट ने मकाम सन जनाब, जेड़े लोग भी सदे ना ए लोग झुंबर गावन वाले ये ताजा वाले या ये लोग फनकार जेड़े होए ने, ओ पहले तो पहले रिकॉर्डिंग जी उन्हों की एक कोट रोड जंग ही हुई मिर्जा का फास है, ठीक है जी। अक्सर असं ये सुनने
ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂਰਾ ਮੁਸੱਲੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਟ ਆਇਆ ਡੋਲ ਜੁੰਬਰ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਡੋਲ ਦੀ ਜੁੰਬਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਸਲ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਗਲਤ। ਉਹਦਾ ਕੇਸਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਵੋਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਜਵੇਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜੀ, ਇਸਾਕ ਜਵੇਦ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਈਂ ਸ਼ੇਰ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਆ, ਸਾਈਂ ਸ਼ੇਰ ਪਾਕ ਕੋ ਮਲੰਗ ਸੀ ਮੁਰੀਦ ਆ। ਅਤੇ ਜੁੰਬਰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸਰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ? ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਰੌਂਸ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰੌਂਸ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸਮਤ ਦਸ ਤਵੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੀਤ ਸਾਂ ਸਾਵੀ ਜੀ ਲਾਲੀ ਮਿੱਠੜੀ ਬੋਲੇ ਲਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਮਾਮੂਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਕੇਸਰ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਲ ਵਫਾਦਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ? ਹਾਂਜੀ, ਡੋਲ ਵਫਾਦਾਰਾ ਬੋਲਕ ਗਏ ਸਾਰਾ ਵਤਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕੇਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਂਡਾ ਢੋਲ ਦਿੱਲੇ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੀਆ ਸੀ ਸਖੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਪੀਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰੀਫ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਹਾਂ, ਮਲਕ ਅਲੀ ਮਲਕ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਹੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਾਂਡਾ ਢੋਲ ਦਿੱਲੇ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਮਸਕੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਸਕੀਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖੀ ਤਾਰਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਗਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਝੰਡੇ ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਬਾਲਾ ਪੀਰ। ਸਹੀ, ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੀ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ ਆਖਰੀ, ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਖੂਹ ਦਿਆਂ ਬੋਕਿਆਂ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਰੰਗ ਸ਼ੱਫੂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਨੇ, ਸੱਥ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਗ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਧੁਨ ਬਣਾਈ ਆਈ, ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੂਕਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੂਕਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਧੁਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾ। ਅੱਛਾ, 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਰੂਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਂ ਖਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰੇ ਕੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਲਖਲਾਨਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚਲਾਕ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸ਼ੱਪੂ ਮਾਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਚਨਾਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਡੋਲ ਜੁੰਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ,
लेकिन कुछ तो शहर वाले लोगों की गल की है, ढोल झुमर की वजाहत करो, ढोल झुमर है की चीज? ढोल भी झुमर एक बजुर्गों के ना जी, उन्होंने तो दसिया कि साई शेर पाक के पाकदार तो, फिर सखी बाला पीर शहन शाह के पाकदार तो, यह इतदार हुई है झुमर की रानी। जब तुम पंडाल में जाओ जी, पंडाल में जाना एक फनकार होना, एक ढोल होना, इस चीज़ का ना ढोल झुमर है। हाँ जी, ये नहीं एक ढोल झुमर खेडन वे भी लोग सही है। मैं भी तकरीबन पड़ोसी मुल्क इंडिया, इंडिया हाँ जी, उत्थे भी तकरीबन असी गए हैं दो तीन बारी गए, इंडिया में भी गाया जी, गाया इंडिया के झुमर के लोग जो है ना जी जगंडे लै गए, फिर मीरपुर लै गए जी। अच्छा, ननकाणा गुरु नानक दरबार से आते सन सिख, ननकाणा साहब जी, वो पहले जिस वक्त इतने सन ना, हाँ जी, अपने लोग विरसा जी जत्ती बड़े समझे सन जी, तो फिर इतने जनाब ना मेरा पासपोर्ट बनवा के लै गए ढोल आए भी, मैनू भी सारा कुछ भी उत्थे जड़ा है ना। इंडिया के इस कोई भी गाना है ना, सुर संगीत वाला इंसान कोई भी है ना, हाँ जी, हकीकत मात साहब जी वो भी इंडिया के बड़ी कदर है, बड़ी वजह है। अच्छा जी, तुम लोग इस चीज में ना जिन्हें कि बड़ा अच्छा समझते हैं और इबादत समझते हैं। अच्छा, तुम फरमाया भाई शक्कू माई कि तुम खानदानी फनकार नहीं हो, क्या फनकार हो? हाँ जी, जो ज्यादा खानदान है जी, इस कोई होर भी ना फनकार पैदा होया होया जी? हाँ जी, मलक अली मलकू, हाँ जी, साढ़े खानदान के वैसे तो कमियारा के अगर संगीत के नज़दीक हो गए, फिर आलम लोहार का उस्ताद जोड़ा से, हाँ जी, वो भी तो कमियार से ना, इनायत कोटिया कमियार। अच्छा, इनायत कोटिया कमियार हो आलम लोहार का उस्ताद। अच्छा, फिर जनाब साई मुस्ताक, वो भी कमियार है? कमियार। अच्छा, फिर जनाब बशीर मलंग, वो भी कमियार? हाँ जी, वो पाक पतन के इलाके का होया। और जनाब टैडी लत्तां वाला अनिल कुमार, टैडी लत्तां वाला, हाँ जी, ते मलक अली मलकू, मलक अली मलकू, यूसुफ कसवालिया, शक्कू माई, लोग फनकारी दे विच ना जी बड़ा वड्डा नाम होया मलक अली मलकू। अच्छा, मलक अली मलकू ते तुसी रल के भी किसी जगह ते प्रोग्राम कीता? हजारां दी तादाद। ठीक है, ते किस किस्म दी शख्सियत दे मालिक सन? जी बहुत अच्छा, बहुत नहीं इंसान आ, ठीक है, दरवेश इंसान आते लोगों की बड़ी इज्जत से कदर करता से। अच्छा जी, यानी कि उस बंदे के जहन के कोई जमाने का लालच नहीं, ठीक, बेलौस बंदा, बेलौस बंदा सी, अगर कोई बंदा भी चला गया ना, वो जहन के लालच नहीं सी कि इतने पैसे लवागा या कुछ करांगा, उन्हें भी शौक ही किया जी, ठीक है, ता जिंदगी तक अपने शौक का लिखा, अपने शौक में गाया। अच्छा, जेडे अजकल के नवे गाने वाले ने, उन्हें तुम कोई पैगाम देना चाहो? असं तो जी ये पैगाम दे सकने हैं कि जी है ना आजी इस संगीत के ना सब तो अच्छी चीज जी है ना वो जी आजी मिट जाना संगीत का काम जोड़ा है ना जी, ये एक दरवेशी जहा मकाम है, दरवेशी जी लैन, ठीक है, तो असं तो जनाब ही पैगाम दे स कि दुनिया उत्ते रख फकीर आज साबैन खलोन कोल उमें तासण लोग जो तुर जाए तलोन। फनकार भी इंसान ये फनकार लोग जो उन्होंने याद ही रह जाती सही जमाने के बंदा कुछ भी नहीं लै जाता साहब जी इस जमाने ये छड़ियाँ बह जाना तो फनकार वो ही है वो ना जी तुम सुने उसे अगर बाबा बुले शाह सरकार से उन्हें कहा कि हम तेरी बंदगी नहीं करते लेकिन तेरे बंदों से प्यार करते हैं। वाह वाह, वो जी सीता इस वास्ते भी बंदे ना प्यार करने हैं ते बंदियां दा दिल राजी करने हैं। वाह 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 वाह, ते इस वास्ते कि मालिक अल्लाह हर एक इंसान नूं तौफीक देवे कि वो बंदे दा दिल राजी